ईश राज्य का प्रतीक राई के दाने से बढ़कर क्या हो सकता है? कुछ प्रबल, कभी बढ़ता लगातार खुलासा, कुछ पहले से ही और अब तक नहीं। जी हां, मदर मारी गेटरूड, जिन्हें प्यार से लोकप्रिय महिला कहते हैं, संपूर्ण भारतीय कैथलिक कलिसिया, खासकर नागपुर कैथलिक कलिसिया की प्रगति पर उनका नाम और असीम कर्म योगदान की प्रशंसा व्याप्त है। भारतवर्ष में उनकी अचूक माननीय उपस्थिति वास्तव में एक गतिशील प्रभाव है। वह एक आदर्श सलेशियन धर्म संघी बनकर अपने असाधारण मिशनरी उत्साह से उज्जवल नवोन्मिषी अर्थात एक आदर्श पथ प्रवर्तक बनी, जिससे एसएमआई मिशन की स्थापना पूरे विश्व में संपन्न हो सकी। जी हां, यह परम प्रसाद की सच्ची पुजारिनी, सत्य कर्मों की दिव्य सुगंधिनी, तीन दुखियों का आसरा आज हमसे कुछ मांगती है। जब हम उनकी 112वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, मदर गर्ट्रूड चाहती है कि हमारा जीवन प्रभुवाणी में निहित हो और हम ईश्वर के सच्चे आज्ञाकारी सदैव बने रहे। दोस्तों, प्रस्तुत है आदित्य सहस्य मिशनरी मनभावन ईश सेविका, एसएमएमआई ग्रह की सर्वश्रेष्ठ माता मदर मारी गेटरूड की जीवनी पर आधारित नृत्य नाटिका कर्म योगिनी। कितनी अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाली है किसी भी बीज की कहानी। अगर गेहूं का दाना ही लिया जाए तो वह कितना सुंदर और सुनहरा होता है, परंतु जब बागवान अपने हाथों से खेत के कीचड़ में उसे फेंक देता है, तब उस मासूम बीज पर क्या बीतती होंगी। उसे न चाहते हुए भी गंदगी में, अंधकार में स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। ठीक इसी तरह बागवानों का बागवान स्वर्गीय भगवान ने अपने पवित्र हाथों में एक अनमोल सुंदर बीज संभाल रखा था, जिसे सन 1850 मार्च माह की 27 तारीख के दिन फ्रांस में फ्रांसिस यूजीन ग्रो तथा एग्नेस लेवनी ग्रो के हाथों वरदान स्वरूप सौंप दिया। उन्होंने इस नन्ही सी प्यारी परी को फेलिसी नाम से पुकारा। सन 1874 जनवरी पहली तारीख फेलिसी सलेशियन धर्म संघी में शामिल हो गई। तत्पश्चात उन्हें सिस्टर मारी जेट्रूड नाम दिया गया। भक्ति दीपक दिल में लिए
के MSFS धर्म संघ के सुपीरियर जनरल फादर जोसेफ टिसॉ और नागपुर धर्म प्रांत के बिशप एलेक्सिस रिका के अनुरोध व आमंत्रण पर SMMI संस्थापक फादर शोमो ने अत्यंत दुख व मानसिक पीड़ा के बावजूद अपनी प्रिय सहयोगी सिस्टर मारी जेट्रूट व अन्य तीन बहनों को भारत अर्थात संतों और ऋषियों के देश भेजने का फैसला लिया। इस तरह 1898 नवंबर 2 तारीख ये बहनें नागपुर आ पहुंची और लोगों के लिए यह जश्न का दिन रहा। नीले गगन गीत गाओ, ओ धरती झूमो नाचो। देखो रे देखो कैसा महा प्रभु ने दिया हमें वरदान। नीले गगन गीत गाओ, ओ धरती झूमो नाचो। हे नीले गगन
कैसा महा प्रभु ने दिया हमें वरदान, आओ रे गाए नाचे हम, शुरुआत में ऐसा लग रहा था मदर मारी गेटरूट और बहने बारहमासी तीर्थ यात्री के समान थे, न कोई अपना ठिकाना न ही व्यक्तिगत प्रार्थनालय, फिर भी उन्होंने अपनी पहचान गरीबों के बीच बना लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सदैव पिछड़े लोगों के विकास के लिए संघर्ष किया। मदर जेट्रूट ने मानवता के इस टूटे समुद्र को अपनाया, उनके शरीर और आत्मा में लगे खामों के इलाज के लिए सतत क्रियाशील रही। इसमें अंधे, गूंगे, बहरे, शारीरिक एवं मानसिक विकलांग व कुष्ठ रोगी भी शामिल थे। समाज के उपेक्षित लोगों के लिए दीन दुखियों की मां यह दयालु मिशन कर ही रही थी कि अनिष्ट और नकारात्मक शक्तियां हावी हो गई। गरीबों के प्रति विकल्प क्यों समय बर्बाद कर रही हो? देख कितने सुंदर और प्रतिभाशाली हो तुम, और ये क्या गरीब घर, कितनी हास्यास्पद विकल्प है तेरा, कितनों का इलाज करेगी? जितना करोगी उतनी ही बढ़ते जाएंगे, मेरी बात मान, अपनी मूर्खता त्याग दे और जीले अपनी जिंदगी। याद रहे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं अपनी तपस्या निभा रही हूं, ईश्वर की इच्छा मुझ में संपन्न हो रही है, ईश्वर की इच्छा ही मेरा लक्ष्य, मार्ग और अर्थ है। सोच ले, तुम एक ऐसा देश में रह रही हो जहां गहरे धार्मिक विश्वास और भावनाएं जुड़ी हुई है। क्या तुम्हें लगता है इन लोगों की जीवन शैली बदलेगी? नहीं, कभी नहीं। वे तुम्हारे ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे, और देखना आने वाले दिनों में तुम्हें असफलता का सामना जरूर करना पड़ेगा। यीशु मेरे गुरुवर, मुझे आत्माएं दे, मुझे एक देवालय प्रदान कर, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा की तलाश है हर पल। हाँ प्रभु, जीवन के आखिरी पल तक चाहे कितनी भी दुख तकलीफें क्यों ना झेलनी पड़े।
मदर गेटरूट का योगदान भारतीय कलीसिया के प्रति इतना विशेष है कि उनकी जीवंतता और महत्व आज भी परिलक्षित है। गरीबों और बीमारों की सेवा ही उनके मिशन का मूल मंत्र रहा, लेकिन मिशन के प्रति उनके उत्साह को आहत करने वालों की कोई कमी नहीं थी। मुझे तुझ पर तरस आ रहा है, क्यों स्वयं को नष्ट भ्रष्ट कर रही हो? ठीक है, तेरी मर्जी, मुझे क्या लेना देना है, चलते जा। फटफड़ाती लड़खड़ाती तेरी परिवर्तन की झंझड़ों में चलती जा। मैं गरीबों के लिए सदा अपना विकल्प रखूंगी। मेरा जीवन भौतिक और आध्यात्मिक निराश्रित लोगों के लिए है, मेरी कमजोर क्षमताओं के साथ। कैथोलिक कलीसिया के सारे मिशन कार्य लिया जाए तो उनमें सर्वोत्तम मूल्यवान सेवा वास्तव में युवाओं का प्रशिक्षण ही है। नागपुर और भारत के अन्य क्षेत्रों में युवा पीढ़ियों की हर प्रकार के प्रशिक्षण में मदर गेटरूट की भूमिका को कौन भुला सकता है? दोगे सुख मिलेगा सुख, दोगे दुख मिलेगा दुख, दोगे सुख मिलेगा सुख, दोगे दुख मिलेगा दुख। बेहोशी में दुख ही दुख है, होश में सुख ही सुख है। दोगे सुख मिलेगा सुख, दोगे दुख मिलेगा दुख, दोगे सुख मिलेगा सुख, जबानों की आवाज, निर्बलों की शक्ति। मदर मारी जेटरूट ने नारी सशक्तिकरण के लिए क्या नहीं किया? सभी प्रकार की परंपरागत गुलामी के जंजीरों को तोड़कर एक आदर्श समाज की निर्मिति में लगी रही। ध्यान करो, मन होश से भरो, चिंतन यीशु का ध्यान, खोज कर सत्य सूरज की, तेजोमय यीशु सूरज की, तेजोमय यीशु सूरज की, तेजोमय यीशु सूरज की। देखता हूं कब तक ये कर्म साधन टिकते हैं। वैसे इस तरह मुक्तिदाता बनना, बीमारों की सेवा करना और लोकप्रियता हासिल करना आसान है,
मगर तूने कभी दुख दर्द झेला क्या? आने वाले दिन ये साबित करेगा, जब तुम दुख दर्द का प्रतारण की पीड़न से रूबरू होंगे तब तो ईश्वर के नाम तक को भी भूल जाएगी, देखना। जैसे कि पुराने व्यवस्थान में प्रभु भक्त योग के जीवन में घटा, वैसा ही ईश सेविका मदर मारी गेट्रूट के जीवन में भी घटित हुआ। प्रभु भक्त का विश्वास की अग्नि में तपाया जाना, तत्पश्चात एकाधिक शारीरिक रोगों से मदर मारी गेट्रूट जूझने लगी, यहां तक कि डॉक्टरों ने दाएं पैर की अंगुलियां काटकर अलग कर देने की बात उठाई। तब मदर मारी गेट्रूट ने एक वीरांगना की भांति किसी भी प्रकार की बेहोशी की दवा लेने से इनकार करते हुए अपने हाथों में लिए क्रूस पर नजरें टिकाकर असीम दर्द को अमृत समझकर पी लिया। प्रभु, आप अच्छी तरह जानते हो ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूं। जैसे चाहो बना डालो, मैं तेरे ही हाथों की मिट्टी हूं। वैसे ही तेरी पीड़ाओं के सामने मेरा दुख दर्द कुछ भी नहीं। हां प्रभु, कुछ भी नहीं। ते प्रभु मुझे और अधिक दर्द दे, बस समर्पण है मेरा जीवन तेरे चरणों में। मदर मारी गेट्रूट नागपुर की उपजाऊ भूमि पर स्वर्गीय बोने वाले के कर कमलों द्वारा बोया गया एक अमूल्य बीज थी, जो काल चक्र के तालमेल में अंकुरित होकर अब एक शक्तिशाली फलदार वृक्ष बन चुकी है, जिसके तले हम सब आश्रय लेते हैं। प्रभु सेवक कभी नहीं मरते, वह जीवित है मुझ में और आप में से प्रत्येक में। जी हां, मदर मारी गेट्रूट यहां मौजूद है और इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरे प्रिय लोगों, मैं धन्यवाद देती हूं प्रभु ईश्वर को उनके असीम प्रेम के प्रति। गेहूं के दाने जैसे इस मिट्टी में मुझे बोया, मूल्यवान धातुओं से आभूषित किया, इस प्रकार भूसी टूटा, हरी भरी शाखाएं और पत्तियां धीरे धीरे कृतज्ञता से नाचने लगी, और इस तरह भगवान ने मुझे उनके राज में जनमन की सेवा करने योग्य बनाया। प्रभु, अब आप मेरी बेटियों का मार्गदर्शन करें।
उन्हें अपनी मुक्ति मार्ग में अचूक सेवा कर्मी बनाए रख। प्रभु जी यहाँ उपस्थित हर एक को आशीर्वाद दे कि वे सदैव हसमुख और जिम्मेदार जीवन व्यतीत कर सके। आइए हम सब प्रभु की वंदना करते हुए आनंद मनाएं और याद रहे देखभाल और साझेदारी की यह तीर्थ यात्रा जारी रहे। धन्यवाद। हजारे प्रभु नाम, हजारे यीशु नाम, हजारे प्रभु नाम यीशु नाम, हजारे प्रभु नाम, हजारे यीशु नाम, हजारे प्रभु नाम यीशु नाम, हजारे प्रभु नाम, हजारे यीशु नाम, हजारे प्रभु नाम यीशु नाम, हजारे प्रभु नाम, हजारे यीशु नाम, हजारे प्रभु नाम यीशु नाम, हजारे प्रभु नाम, हजारे यीशु नाम। समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।